हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी तवे पर। इसके लिए हमने यहाँ पर चार ब्रेड लिए है, जिसके साइड से कॉर्नर हमने काट के इसको गोल शेप दे दी है। यहाँ हमने इसके अंदर लिए ऑनियन, टमाटो, और ये हमने शिमला मिर्च, और ये जो गाजर ली है। इस तरह से हम इसका यूज़ इसमें करने वाले हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। तो चलिए आगे की स्टेप पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक चम्मच लिया है बेसन, जिसे हमने छान लिया था। उसे छान के हमने इस तरह से एक चम्मच नाप के ले लिया है। एक चम्मच ही हमने यहाँ पे लिया है मैदा। यहाँ हमने लिया है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको लिक्विड में कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जो ब्रेड के चार स्लाइसेस लिए थे, उसको चारों कॉर्नर में से कट कर लिया है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ हमने तवा गरम किया है, उस पे हम ये बैटर डाल देंगे। इस तरह से हम इस बैटर को फैला देंगे। हमने गैस का फ्लेम है बहुत लो कर रखा है, और तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया था पहले ही। बैटर के अंदर हमने इसके अंदर हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडे का यूज़ किया है हमने इसमें। इस तरह से हम इसको पूरे बैटर को चारों तरफ से फैला देंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमने जो ये ब्रेड ली थी, उस ब्रेड को इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। चारों ब्रेड्स को हम इस पर ऐसे रख देंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, ताकि नीचे से ये धीरे धीरे धीमी आँच में पकता रहे। और इसके जो कॉर्नर, ये जो बीच का है हिस्सा है, इसमें भी हम थोड़ा सा ये फिलिंग कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से। हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस साइड से भी। ये इसको नीचे के हिस्से से पकने देंगे, और जो हम आगे ऊपर जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगता है, वो पिज़्ज़ा टॉपिंग्स वगैरह हम इसके ऊपर लगाते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग्स। अब हम इस पे चीज़ को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। स्प्रेड करने के बाद में हमने इसके ऊपर शिमला मिर्च, टमाटो और जो गाजर वगैरह जो हमने काट के रखे थे, उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे टमाटोज भी इस तरह से रख दिए हैं, और यहाँ हमने टमाटर के साथ साथ ये रख दिए हमने कैरेट, गाजर। इस तरह से ये गाजर को भी हमने इस तरह से इस पे रख दिया है। फिर यहाँ हम रखेंगे अब इसमें ऑनियन, प्याज। प्याज को भी हम इस तरह से यहाँ सेट कर देंगे इसके बीच में। इस पे थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स। बंद कर, डाल रहे हैं ऑरिगेनो। हमने फिर से थोड़ी सी चीज और फैला दी है इस तरह से। इसे कवर कर देंगे पर रखेंगे, ताकि नीचे से भी थोड़ा क्रिस्पी रहेगा और ऊपर से पिज्जा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसको हटाते हैं प्लेट को, और ये देखिए रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। तो आइए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, रेडी है हमारा पिज़्ज़ा, तो आइए इसे अब हम कट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी? मेरे
रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह से तवा पिज्ज़ा आपको कैसा लगा।